गया ना, हो गया ना, ठीक। नमस्कार बच्चों, क्लास 11th बायोलॉजी क्लास चैप्टर 3rd शुरू कर रहे हैं हम लोग, और पहला लेक्चर है इसका, ठीक है। 3rd चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत। इसके पहले हम लोग क्लासिफिकेशन में दिए थे, देखे थे 1969 में विटकर ने दिया था 5 जगत वर्गीकरण, ठीक है ना। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, और फिर प्लांटी, और फिर एनिमेलिया, ठीक है। अब उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्लांटी का भी हम लोगों ने किसका पढ़ लिया, प्रोटिस्टा का, मोनेरा का, और कवक का वर्गीकरण अब हम पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे प्लांटी। आज पूरा नहीं हो पाएगा, कल के क्लास में इसका पूरा कंटिन्यू करेंगे, और कल के क्लास में एनिमेलिया भी शुरू कर देंगे, ठीक है। देखिए, अभी तक इसके पहले जो दिया गया था वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण दिया गया। कृत्रिम वर्गीकरण किसे कहते हैं, जब वर्गीकरण बाह्य लक्षणों के आधार पर किया जाता है ना, रूप, रंग, शेप आदि के आधार पर जब वर्गीकरण दिया जाता है तो उसे कृत्रिम बोलते हैं। और कृत्रिम वर्गीकरण में क्या होता है, गहराई नहीं होती और वो वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाता। फिर सबसे पहले बेंथम एवं हुकर दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्राकृतिक वर्गीकरण दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो दिया, उन्होंने क्या किया, सब प्लांट्स का जो वर्गीकरण दिया ना, उन्होंने प्लांट्स को बांटा शैवाल, ठीक है, फिर उन्होंने बांटा ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। प्लांट जगत को उन्होंने 5 में बांटा, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब हम लोग जो शैवाल के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, काई, एल्गी, शैवाल, ये क्या होता है, ये आपने अक्सर देखा होगा जहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है वहाँ फिसलन हो जाती है। फिसलन जैसी क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे हरे रंग के पौधे उग जाते हैं, उन पौधों को बोलते हैं एल्गी या काई। आपने तालाब में भी देखा होगा, कभी कभी तालाब में एकदम पतली सी पानी के ऊपर हरी परत तैरती रहती है, परत, वो भी क्या होती है, एल्गी होती है। कभी कभी नम दीवारों पर, या कभी कभी लकड़ी पर, सीलन भरी लकड़ी, नम दीवार, छायादार स्थान पर भी कभी कभी ये एल्गी पाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर एल्गी कहाँ पाई जाती है, पानी में ही पाई जाती है। कभी कभी नम स्थानों पर भी पाई जाती है, जैसे सीलन भरी लकड़ी हो या नमी वाली दीवार हो, वहाँ पर भी ये पाई जा सकती है। जैसा कि एल्गी हम नाम से बोल रहे हैं, इसका शरीर कैसा होता है, थैलॉइड, थैलॉइड मतलब थैले के समान इसका शरीर होता है एल्गी का, ठीक है। और एल्गी को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। तो इसका शरीर कैसा होता है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए, ये हमने एक एल्गी का लिया है, ये है, ये है वॉलवॉक्स, ये एक एल्गी है, वॉलवॉक्स कॉलोनी है ये, ठीक है। तो ये सब वॉलवॉक्स है जो कॉलोनी में पाए जाते हैं। ये इसका शरीर कैसा होता है, एल्गी का शरीर थैलॉइड, थैलॉइड मतलब थैलस के समान, थैले के समान, ठीक है। चलिए, कमेंट बॉक्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू पीसीबी, ठीक है। तो इसका जो वॉलवॉक्स होता है थैले के समान होता है, इसका शरीर जड़, तना, पत्ती, शाखा, फल, फूल किसी में विभाजित नहीं होता है, केवल किस तरह का रहता है, थैलस के समान रहता है। एक बच्चा बोल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चलिए उसको भी पढ़ लेंगे, अभी यही है बेटा। चलिए, आपके सिलेबस से ही चल रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। वनस्पति जगत 3rd चैप्टर है, आप कौन सा बुक लिए हो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, सिलेबस पुराना होगा क्योंकि यूनिफाइड सिलेबस तो लागू हुआ है, सारे स्टेट में वही सिलेबस चलता है, आपके में क्या प्रॉब्लम आ रहा है नहीं समझ पा रही हूँ, देखते हैं। मैं चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है वनस्पति जगत, पहला लेक्चर है आज, ठीक है। तो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, शैवाल। शैवाल कैसा होता है, थैले के समान होता है, इसमें कुछ अलग अलग शरीर विभाजित नहीं होता। अब ये शैवाल जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, वनस्पति जगत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शैवाल या एल्गी। ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है शैवाल,
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी में जो शैवाल आते हैं, जो एल्गी आती है, जो काई आती है, वो कैसे रंग की रहती है? हरे रंग की। अब ये हरे रंग की क्यों रहती है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, इसकी उपस्थिति ये मुख्यतः पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, इसीलिए कैसा रहता है? हरे रंग का रहता है। ठीक है, और इसका शरीर थैले के समान है, हम पहले ही बता चुके हैं। चूँकि हरे रंग का है, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, इसलिए कैसा होता है? स्वपोषी होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है वॉल्वॉक्स, यूलोथिक्स, स्पाइरोगायरा। अभी हम आपको चित्र भी दिखा देंगे, वॉल्वॉक्स का चित्र भी हम लोग देखे हैं, वही है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा का भी अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें दिखा देंगे आपको चित्र। ठीक है, दूसरी जो शैवाल है वो होता है फियोफाइसी। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड पाया जाता है। ये देखिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल। इसीलिए जैंथोफिल इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ही ये जो एल्गी रहती है वो कैसे रंग की रहती है? भूरी हरी रहती है, जिसे भूरे शैवाल बोलते हैं, क्योंकि इसका मुख्य रूप से रंग कैसा होता है? भूरा, भूरा हरा टाइप का रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भूरे शैवाल। और ये हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। ये हमने पढ़ा था ना, वॉल्वॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये तालाब वगैरह में मिल सकते हैं, नदी किनारे, घर में जहाँ पानी इकट्ठा है, पोखर में मिल जाएंगे, हैंडपम्प के आसपास, कुएं के आसपास। लेकिन फियोफाइसी भूरे शैवाल हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में ही पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? फिर आता है तीसरा, है रोडोफाइसी। इसे बोलते हैं लाल शैवाल। ये भी कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में ही पाए जाते हैं। और इनका रंग कैसा रहता है? लाल, लाल समुद्र में ही ये ज्यादा पाए जाते हैं। और इनका रंग भी कैसा रहता है? लाल रहता है। क्या हुआ जी, क्या बोल रहे हो कमेंट्स के लिए? भाई बोलो तो कमेंट बॉक्स में, क्या चैप्टर थर्ड चल रहा है आपके बुक में? कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो देखेंगे। नोट्स के लिए आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, नवबोध का, प्रबोध का, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बुक रहता है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की स्पेलिंग सही लिख लीजिए, सी एच एल ओ आर ओ पी एच वाई डबल एल। ठीक है, तो रोडोफाइसी में जो आते हैं उन्हें लाल शैवाल बोलते हैं, क्योंकि इनका रंग लाल रहता है। लाल किस कारण रहता है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और डी के अलावा ए रहता है, क्लोरोफिल डी रहता है, इसके अलावा इनमें पाया जाता है फाइक्रोइरिथ्रिन। फाइक्रोइरिथ्रिन होने के कारण, फाइक्रोइरिथ्रिन होने के कारण इसका रंग कैसा रहता है? लाल रहता है। नोट्स के लिए आप बुक को फॉलो कर सकते हैं, नोट्स अभी नहीं बना रहे हम इसका। ठीक है, तो नोट्स अभी आपको अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, स्पष्ट बता रहे हैं आपको। आप बुक को फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। कुछ लोग बच्चे साथ में नोट्स बना रहे हैं, ट्वेल्थ वाले भी और इलेवेंथ वाले भी। ठीक है, तो जो रोडोफाइसी में कैसे होता है? लाल शैवाल आते हैं, इनमें कौन सा? क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, इसके अलावा फाइक्रोइरिथ्रिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग कैसा रहता है? लाल रहता है। इसका उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, अब इसका आप चित्र दिखा देते हैं। लाल शैवाल का उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया, भूरे शैवाल का उदाहरण है सर्गेसम और फ्यूकस, और हरे शैवाल का उदाहरण है वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। आपका चित्र दिखा देते हैं हम इसका। ये देखिए ये वॉल्वॉक्स, ये है हरा शैवाल है, ये तीनों हरे शैवाल हैं, इसमें से सबसे पहला है वॉल्वॉक्स। ठीक है, ये है फ्यूकस, ये फ्यूकस कैसा रहता है? ये है फ्यूकस,
ये कैसे रंग का रहता है? भूरा शैवाल रहता है, समुद्र में पाया जाता है, क्योंकि इसमें जैंथोफिल पाया जाता है, इसलिए इसका रंग भूरा होता है। ठीक है। और ये तीसरा शैवाल जो है ये है पॉलीसाइफोनिया। ये बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है। और पॉलीसाइफोनिया कैसा रहता है? लाल शैवाल। इसके अलावा जो भूरा शैवाल होता है ना, इसमें कैल्प नाम का भी एक एल्गी पाई जाती है जो 100 मीटर तक भी बड़ी हो सकती है। 100 मीटर तक बड़ी भी कैल्प नामक एल्गी पाई जाती है, जिसमें किसमें पाई जाती है? फियोफाइसी या भूरे शैवाल में पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ? तो शैवाल हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? प्लांट जगत पादप जगत का वर्गीकरण पढ़ा। बेंथम एवं हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। प्राकृतिक वर्गीकरण का मतलब होता है ऐसा वर्गीकरण जो केवल किस आधार पर ना दिया जाए, केवल बाहरी रंग रूप आकार प्रकार के आधार पर ना दिया जाकर उसकी आंतरिक संरचना, भ्रूण का विकास, उसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति, कोशिकाओं में अंगकों की उपस्थिति और बाहरी रूपरेखा के आधार पर मिलाकर जो वर्गीकरण दिया जाता है, उस वर्गीकरण को क्या कहा गया? प्राकृतिक वर्गीकरण। और वो किसने दिया था? बेंथम एवं हुकर ने। सबसे पहले किसने दिया? बेंथम और हुकर ने दिया पादप जगत का वर्गीकरण, प्राकृतिक वर्गीकरण। और ये किस आधार पर दिया गया? आंतरिक संरचना के आधार पर। ठीक है। और कृत्रिम वर्गीकरण वो होता है जो बाह्य संरचना के आधार पर दिया जाता है, बाह्य संरचना रूप रंग। इतना क्लियर हुआ? तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं? पादप जगत का वर्गीकरण, कृत्रिम वर्गीकरण जो दिए हैं बाद में अमान्य कर दिया गया, उसके बाद बेंथम है वो हुकर ने आंतरिक संरचना और उसके साथ साथ बाह्य संरचना के आधार पर जो वर्गीकरण दिया उसे प्राकृतिक वर्गीकरण कहते हैं। उन्होंने सारे पादपों को 5 प्रकार में बांटा। पहला प्रकार था शैवाल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनका शरीर थैले के समान होता है, ऐसे इसलिए इनके इनके पादप काय को बोलते हैं थैलॉइड। ठीक है। और उन्होंने बताया कि शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरे शैवाल बोलते हैं, फियोफाइसी को भूरे शैवाल और रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। हरा शैवाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रमुख रूप से पाया जाता है, उसके अलावा सी डी वगैरह थोड़ी थोड़ी मात्रा, इसलिए इसका रंग हरा रहता है, ये स्वपोषी रहता है। और इसका उदाहरण है वॉलवॉक्स, येलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, भी हम चित्र भी देख चुके हैं उसका। ठीक है। उसके बाद है फियोफाइसी। फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहते हैं। इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और सी के अलावा कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल। जैंथोफिल की उपस्थिति के कारण ये भूरे हरे रंग के होते हैं। ठीक है। ठीक है। तीसरा वाला है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को लाल शैवाल कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, इसके अलावा मुख्य रूप से फाइक्रोइरिथ्रिन पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग लाल रहता है। और इसका उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया। हाँ, क्या लिखे हो कमेंट्स में? थोड़ा डाउट भी देखो क्या हुआ है भाई, क्या बोल रहे हो मैडम ये? ठीक है, क्लियर हुआ? आप लोग क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया? चैप्टर 3 है भाई, क्लास 11th का चैप्टर 3 है, आप लोग कैसे बार बार कन्फ्यूज़न हो जा रहे हो? ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइट्स। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए शैवाल कैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे थैलॉइड होते हैं, स्वपोषी होते हैं, उसका उदाहरण ये सब है। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स नया चैप्टर है। पादप जगत को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 5 प्रकारों में बांटा गया है। उसमें से पहला प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा? शैवाल पढ़ा। दूसरा जो है वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को क्या क्या बोलते हैं? प्रथम स्थलीय पादप बोलते हैं। हाँ, मैं लाइव हूँ, क्योंकि पूछ रहा है कमेंट बॉक्स में क्या हुआ है, बोलिए। चैप्टर 3 है वनस्पति जगत, क्लास 11th बायोलॉजी, वही वही आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है। उसमें हम लोग क्या, पादप जगत का हमने पहला वाला पढ़ लिया है शैवाल, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स।
ब्रायोफाइट्स पहले स्थलचर या स्थल में उगने वाले पादपों को कहते हैं। इनका शरीर जड़ तना पत्ती जैसा थोड़ा थोड़ा विकसित हो जाता है, मतलब इनमें थोड़ा थोड़ा क्या आ जाता है, मूलसम तनासम और पत्ती सम संरचनाएं आ जाती हैं। मतलब मुख्य रूप से जड़ तना पत्ती जैसा होता है वैसा नहीं पाया जाता, लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता उसकी शुरुआती अवस्था के मूल मतलब जड़ तना और पत्ती ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। इसका पिक्चर भी आप दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले स्थल पर उगने वाले जीव होते हैं, ठीक है, और इनका शरीर कैसे होता है, थैलॉइड से थोड़ा सा ज़्यादा विकसित होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा जड़ तना पत्ती दिखाई देने लगता है। आपको पहले चित्र दिखा देते हैं। ये है ब्रायोफाइट्स, ये आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मार्केंशिया। इसमें क्या होता है, पत्ती जैसा शरीर पूरा आपको दिख रहा होगा, देखिए है ना, ये शरीर पूरा पत्ती जैसा आपको दिख रहा है, और इसमें नीचे की ओर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। जो जड़ होती है वैसी जड़ नहीं होती, रेशे टाइप की जड़ इसमें पाई जाती है, उसे बोलते हैं राइजॉइड्स, ठीक है। इसके नीचे में पाए जाते हैं थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहे होंगे रोम जैसे, और इसके ऊपर में लंबा सा छोटा सा तना पाया जाता है, तने जैसी संरचना पाई जाती है जिसमें जैमा कप पाए जाते हैं, जिसमें जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें जड़ तना पत्ती विकसित होने लगता है, ये इसका उदाहरण है मार्केंशिया, जिसमें जनन अंग किसमें पाए जाते हैं, कप के समान, इसमें पत्ती में है ना ऐसे गड्ढे गड्ढे जैसे आपको दिख रहे हैं, कप के समान, कप मतलब जो हम चाय पीते हैं उसके समान गड्ढे गड्ढे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके अंदर ब्रायोफाइट्स में क्या पाए जाते हैं, जनन अंग। ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया के अंदर जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। जैमा कप, GEMM, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स। पिक्चर आप लोग देख लिए, वही पिक्चर है ब्रायोफाइट्स का। अब देखिए ये अनुक्रमण में बहुत ही मदद करते हैं। अब अनुक्रमण क्या होता है, ब्रायोफाइट्स के जितने भी पौधे होते हैं ना, आपने ब्रायोफाइट्स के पौधे कभी कभी नम दीवारों पर भी पाए जाते हैं। आपने अगर आप कहेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी आसपास रहे। ये स्थल पर जीवित रह सकते हैं जब तक चाहें, लेकिन जब इनमें प्रजनन होता है तो प्रजनन के समय इनके लिए आवश्यक है कि इनका क्या हो, इनके लिए पानी की आवश्यकता हो। एक बच्चे ने लिखा है, मदन सिंह ने, पादप जगत का उभयचर, बिल्कुल सही शब्द लिखा है आपने। इन पौधों को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल में भी, जल और पानी दोनों में रहते हैं। जल में किसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर नमी रहे, थोड़ा बहुत पानी मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि इनके प्रजनन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, बाकी समय ये स्थल पर रह सकते, ठीक है। और इनमें अनुक्रमण की क्षमता पाई जाती है। अब अनुक्रमण होता क्या, आपके लिए नया शब्द है। अनुक्रमण का मतलब होता है जैसे चट्टान होती है ना, मान लीजिए कोई बड़ी सी चट्टान है, उस चट्टान को तोड़कर उसको मिट्टी में बदलना, ये अनुक्रमण है। अब इसके लिए क्या होता है, उस चट्टान पर कौन सा पौधा जीवित रह सकता है, तभी तो वो मिट्टी में बदलेगी ना, तो जो पौधा जीवित रह सकता है वो क्या है, ब्रायोफाइट। केवल ब्रायोफाइट्स में ही ये क्षमता होती है कि वो चट्टान पर भी बहुत कम मतलब मिनरल्स नहीं रहते तो भी वो चट्टान पर जीवित रह जाते हैं। फिर ब्रायोफाइट्स मरते हैं तो चट्टान पर थोड़ी सी मिट्टी बन जाती है, तो उसके ऊपर फिर दूसरे पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं अनुक्रमण। अनुक्रमण का मतलब होता है चट्टान से जंगल जैसी स्थिति बना देना और जंगल तालाब से भूमि जैसी स्थिति बना देना, मतलब दूसरी जो प्राकृतिक एक स्थिति है, एक प्राकृतिक स्थिति से दूसरी प्राकृतिक स्थिति में ला देना, यानी अगर तालाब है तो उसको पाटते पाटते किसमें बदल देना, भूमि में बदल देना, और यदि एक चट्टान है तो उसे तोड़ते तोड़ते चट्टान से मिट्टी में बना देना, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, ब्रायोफाइट्स के पौधों का, इसे बोलते हैं अनु क्रमण। इनमें जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, ठीक है, इसीलिए इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जितनी भी लताएं वगैरह लगाते हैं ना,
तो उन लताओं के ऊपर दूसरे पेड़ को चढ़ाने के लिए ब्रायोफाइट्स का उपयोग किया जाता है। मॉस, ब्रायोफाइट के कई सारे प्लांट होते हैं, उसमें से मॉस एक प्लांट है, उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि ब्रायोफाइट्स के पौधों में ये क्षमता होती है कि जितना आसपास का जितना भी जल है उसे बहुत देर तक पकड़ के रखे रहते हैं, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अच्छा, और मुख्य शरीर इनका जो होता है युग्मकोद्भिद होता है। युग्मकोद्भिद मतलब गैमेटोफिटिक। अब आप पूछोगे गैमेटोफाइट क्या होता है ना, तो आपको बता देते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लीजिए, इनका जो जनन अंग होते हैं ना, वो पुरुष जनन, नर जनन अंग को बोलते हैं पुधानी, और मादा जनन अंग को बोलते हैं स्त्रीधानी। और ये दोनों पुंधानी और स्त्रीधानी किसके अंदर पाए जाते हैं, जैमा कप के अंदर पाए जाते हैं। देखिए मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ एक बार, और इसका देखिए आप ये देख रहे हैं ना, ये है ब्रायोफाइट्स मार्केंशिया। इसमें ये गड्ढे गड्ढे जो दिख रहे हैं ये क्या है, जैमा कप। जैमा कप के अंदर जनन अंग पाए जाते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग देखिए आपको जो खिला खिला दिख रहा है ये नर जनन अंग, इसे बोलते हैं एंथ्रीडिया। ये कहाँ से निकल रहा है, ये गड्ढे वाली संरचना से निकल के ऊपर आ गए, ये है एंथ्रीडिया, इसे बोलते हैं पुंधानी। और ये है आर्किगोनिया, जो चौड़ा चौड़ा आपको दिख रहा है ना इस टाइप का, ये है आर्किगोनिया। ये आर्किगोनिया है, बड़ा बड़ा जो दिख रहा है, मतलब मादा जनन अंग और नर जनन अंग, पुंधानी और स्त्रीधानी, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। क्लियर है? ठीक है, अब क्या अपने को क्या पढ़ना था, क्लियर है? अच्छा, अब ये ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं ब्रायोफाइट्स। अब आपको युग्मकोद्भिद भी बताना है ना, मैं बता रही हूँ अभी। इनका जो ब्रायोफाइट्स है ना, इनका मुख्य शरीर कैसा रहता है, युग्मकोद्भिद या गैमेटोफिटिक, वो बता देते हैं आपको। देखिए गैमेटोफिटिक का मतलब होता है पूरा शरीर कैसा अगुणित रहता है। अगुणित मतलब गुणसूत्र की संख्या आधी रहती है। ठीक है, अब उसका क्या मतलब है, देखिए जैसे हम लोगों में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। लेकिन जब हमारे अंदर युग्मक बनते हैं, अंडाणु और शुक्राणु बनते हैं मेल और फीमेल में, तो हमारे अंदर गुणसूत्र कितने रह जाते हैं, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, युग्मक में पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं अगुणित संख्या। युग्मकोद्भिद मतलब अगुणित संख्या, मतलब गुणसूत्र की संख्या आधी अगर पाई जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे, अगुणित या युग्मकोद्भिद। नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना, मतलब ब्रायोफाइट्स के पौधों में युग्मकोद्भिद या अगुणित या फिर आधे गुणसूत्र वाली अवस्था ज़्यादा रहती है, और स्पोरोफिटिक या बीजीय अवस्था या द्विगुणित अवस्था कम समय के लिए रहती है। ठीक है, क्लियर है? मतलब युग्मकोद्भिद में अगुणित अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है, जिसे बोलते हैं युग्मकोद्भिद, और स्पोरोफिटिक या बीजाणुविद अवस्था कम समय के लिए पाई जाती है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाती है, जिसे द्विगुणित बोलते हैं। इसे डिटेल में हम और आगे वाले चैप्टर में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, या तो वो लिवरवर्ट होते हैं या फिर वो मॉस होते हैं। लिवरवर्ट का उदाहरण है मार्केंशिया, और मॉस का उदाहरण है फ्यूनेरिया। मार्केंशिया का भी हमने आपको चित्र दिखाया, कैसे दिखते हैं, थैलस के समान दिखते हैं और पृष्ठाधारी होते हैं। पृष्ठाधारी का मतलब होता है डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है, मतलब इस तरह का शरीर रहता है उनका। आपने देखा ना, पत्ती के समान शरीर होता है, ऐसे चपटा जो शरीर होता है, जैसे पत्ती होती है उसे पृष्ठाधारी बोलते हैं। तो इनका शरीर भी पृष्ठाधारी होता है पत्ती के समान, डॉर्सी वेंट्रल, मतलब ऐसे चपटा टाइप का जो शरीर होता है वो किसका होता है, मार्केंशिया। और उसी में एक और उदाहरण है मॉस, उसका उदाहरण है, मतलब ब्रायोफाइट्स दो तरह के होते हैं, लिवरवर्ट्स और मॉस। लिवरवर्ट्स में क्या होता है, थैलस के समान बॉडी होती है, पृष्ठाधारी पट्टी होती है, और इनमें युग्मकोद्भिद अवस्था ज़्यादा समय, मतलब आधे गुणसूत्र वाली अवस्था, अगुणित गुणसूत्र वाली अवस्था ज़्यादा समय के लिए रहती है। और जो मॉस होता है उसका उदाहरण है फ्यूनेरिया, और इसका मुख्य काय क्या होता है, स्पोरोफिटिक होता है, मतलब द्विगुणित गुणसूत्रों वाली संख्या इसमें
थोड़ी देर ज़्यादा समय के लिए दिखाई देती है। मैं मॉस का आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ, रुकिए भैया। वो वाला पौधा ला सकते हैं क्या इधर, ये पौधा नहीं बनी, दिखाना है एक सेकंड के लिए, एक सेकंड लाइए। चलिए ठीक है, आपको है ना लाइव दिखाएंगे कल हम फ्यूनेरिया और मॉस, अभी रखा है लाते नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने कितना पढ़ा, दो प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ा, पहला पढ़ा शैवाल और दूसरा पढ़ा ब्रायोफाइट्स। शैवाल मतलब एल्गी या काई, इसके तीन प्रकार पड़े, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, हरे शैवाल, भूरे और लाल शैवाल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट्स। शैवाल का शरीर थैले के समान था, उसमें जड़ पत्ती विभाजित नहीं थी, लेकिन ब्रायोफाइट्स जैसे ही आते हैं तो इनमें थोड़ा थोड़ा जड़, थोड़ा पत्ती और थोड़ा तना दिखाई देने लगता है। मुख्य रूप से इनका पौधा शरीर कैसा रहता है, जड़ तना पत्ती थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। ठीक है, मुख्य शरीर इनका युग्मकोद्भिद होता है, मतलब अगुणित गुणसूत्रों वाली अवस्था इनमें ज़्यादा पाई जाती है। इनके नर जनन अंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग को एंथ्रीडिया या पुंधानी बोलते हैं, मादा जनन को स्त्रीधानी या आर्किगोनिया बोलते हैं। ये फ्लास्क के समान संरचना रहती है, जो कहाँ से निकलती है, इनके शरीर के पत्ते के ऊपर एक गड्ढे के समान संरचना, कप के समान संरचना रहती है, जिसे जैमा कप कहते हैं। इस जैमा कप में से एक डंठल के समान एक रचना निकलती है, जिसमें या तो पुंधानी लगी रहती है या फिर स्त्रीधानी एंथ्रीडिया या आर्किगोनिया लगे रहते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। ये देखिए, ये एंथ्रीडिया है, ये एंथ्रीडिया है और ये आर्किगोनिया लगी हुई, और ये उसका शरीर है पत्ती के समान। ये किसका चित्र बता रहे हैं, मार्केंशिया का, और ये इसमें गेमा कप पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब तीसरा जो जगत उन्होंने बताया उसे बोलते हैं टेरिडोफाइट। बहुत अच्छा, टेरिडोफाइट्स में सीड नहीं आते, कोई बच्चा पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। देखिए टेरिडोफाइट में कौन से प्लांट आते हैं, अभी तक अपन ने क्या देखा, शैवाल का शरीर थैले के समान था, ब्रायोफाइट्स के शरीर में जड़ तना पत्ती बन गया। अब जो टेरिडोफिटिक प्लांट्स होते हैं ना, उनमें क्या हो जाता है, जाइलम और फ्लोयम बन जाता है। अब आप बोलोगे जाइलम क्या होता है, फ्लोयम क्या होता है, सामान्य भाषा में आपको हम समझाएं तो पादपों में जड़ से लेकर पत्ती तक दो प्रकार की पाइपलाइन पाई जाती है, या तो वो जड़ से पत्ती की तरफ जाती है या फिर पत्ती से तने से होते हुए जड़ की ओर जाती है। समझिएगा आप लोग, कितनी पाइपलाइन होती है प्लांट्स में, कोई भी प्लांट्स है, ये प्लांट है मान लीजिए, ये तना है और ये इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, उसमें क्या लगी हुई है, पत्तियाँ हैं। ठीक है, तो इनमें दो तरह की पाइपलाइन पाई जाती है ना। एक पाइपलाइन कैसी होती है, जड़ से लेके कहाँ तक जाएगी, पत्तियों तक, तो ये इसकी दिशा कैसी होगी, जड़ से ऊपर की हो। दूसरी पाइपलाइन ऐसी होती है जो पत्ती से कहाँ, तने से होते हुए कहाँ जाती है, जड़ तक जाती है, इसके डायरेक्शन ये रहता है और इसका डायरेक्शन ये। जो जड़ से पत्ती की ओर जाती है पाइपलाइन, उसे बोलते हैं जाइलम। जाइलम क्या करता है, पौधों में जल का परिवहन करता है, रूट हेयर्स के द्वारा जो जल अवशोषित होता है उस जल को पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। जो पौधे के सामने आपको मरा हुआ टिश्यू भी दिखाई देता है वो जाइलम। ठीक है, और पत्ती में जो कुछ भोजन बनता है उसको पत्ती से फिर शाखाओं में, शाखाओं से तने में, तने से नीचे जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोयम। मतलब ये नीचे से ऊपर जाने वाली पाइपलाइन है वो क्या है, जाइलम, और पत्ती से जड़ तक जाने वाली जो पाइपलाइन दूसरी है उसे बोलते हैं फ्लोयम। फ्लोयम क्या करता है, पत्ती जो कुछ खाना बनाती है उसको पूरे शरीर पौधे तक पहुंचाता है, और जाइलम क्या करता है, जो रूट हेयर्स जो जल अवशोषित करते हैं उसे पूरे पौधे के शरीर में पहुंचाता है। तो टेरिडोफाइट वाले पौधे जो होते हैं उनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोयम दिखाई देता है, इसके पहले वाले पौधों में जाइलम फ्लोयम दिखाई नहीं देता है।
हाँ, जाइलम सीड से मिनरल ऊपर नहीं ले जाते हैं बच्चों। जाइलम पाइपलाइन जैसी संरचना रहती है, छोटे छोटे समझ लीजिए ब्लॉक्स जैसे रहते हैं, जो एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, जिससे जल नीचे से पूरा ऊपर तक। पाइपलाइन पूरा ऐसे एक पाइपलाइन जैसी नहीं रहती, ब्लॉक्स जैसे रहते हैं जो एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, जिसके कारण नीचे से ऊपर तक पानी जाता है। ठीक है, और जाइलम सीड से नहीं ले जाता, जाइलम पानी को ले जाता है, फ्लोयम फूड को ले जाता है, सीड से कोई कुछ नहीं ले जाता। क्लास चलता है 7:45 बजे तक, कभी 7 बजे तक, 30, 40, 50, 60 मिनट का रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले जाइलम और फ्लोयम किसमें दिखता है? जाइलम और फ्लोयम इन्हीं पौधों में, टेरिडोफिटिक प्लांट्स में दिखाई देता है। इनमें अभी तक फूल नहीं बने हैं, देखिए, ना तो एल्गी में फूल रहते हैं, ना ब्रायोफाइट्स में फूल रहते हैं, ना टेरिडोफाइट्स में। इतना क्लियर है? इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित रहता है। जो भी टेरिडोफिटिक प्लांट है अभी मैं दिखाऊंगी आपको, उनका शरीर जड़ तना पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है, और तने के अंदर जाइलम फ्लोयम पाए जाते हैं। और इनके शरीर में जो जनन अंग बनते हैं ना, वो किसके रूप में बनते हैं? शंकु के रूप में। शंकु मतलब इनमें इस तरह की संरचना पाई जाती है। आपने देखा होगा टेरिडोफिटिक जितने भी प्लांट होते हैं ना, उनको सजाने का बहुत काम आता है। इस तरह का अगर आपको याद हो तो पाइनस में पाए जा, पाइनस तो जिम्नोस्पर्म में है, इस तरह का शंकु रहता है जिसमें नर तथा मादा जनन अंग पाए जाते हैं। मतलब अगर कोई पूछा जाएगा टेरिडोफाइट में जनन अंग किसमें पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे शंकु के आकार की संरचना में जनन अंग पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? इसका उदाहरण है फर्न, आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसे छीन भी बोलते हैं, जिससे झाड़ू बनाते हैं। अभी मैं चित्र दिखाऊंगी, सबको समझ में आएगा। इसका उदाहरण टेरिडोफाइट का उदाहरण है फर्न सिलेजिनेला इक्वेसिटम। ठीक है, ठीक है, अब इसका चित्र भी देख लेते हैं। ये है टेरिडोफिटिक प्लांट। देखिए इस प्लांट को आपने अक्सर देखा होगा, बहुत बड़े बड़े नहीं रहते टेरिडोफिटिक प्लांट, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े, लगभग इतने इतने रहते हैं, बस जड़ तना पत्ती इनमें आया रहता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दीवारों के ऊपर पहाड़ी स्थानों पे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे नमी रहती है, छायादार रहते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता ना, वहीं पर ज़्यादा पाए जाते होंगे। आप लोगों को इस पिक्चर को देख के याद आ रहा होगा, ये आपने प्लांट कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे, दीवार वगैरह पे लगे रहते हैं, जहाँ पर पानी ज़्यादा रहता है, नाली के आसपास ये पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, 12th का क्लास मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है। क्लियर है? ये टेरिडोफिटिक प्लांट भी देख लिया आप लोगों ने, क्लियर है? अब इसमें क्या होता है, टेरिडोफिटिक प्लांट का जो इसमें इसका जो जैसे मान लीजिए पौधा बना, पौधे से फिर क्या बने, पौधा बना, उसमें जड़ बना, फिर तना बना, फिर पत्ती बनी, उसके बाद इसमें जो जनन अंग बनते हैं वो बीजाणु, इसमें दो तरह के बनते हैं, बृहद बीजाणु और लघु बीजाणु। इसमें जब जो लघु बीजाणु बनते हैं ना, बृहद बीजाणु से क्या बनता है, मादा युग्मकोद्भिद, और लघु बीजाणु जो बनते हैं उनसे बनता है नर युग्मकोद्भिद। इक्विसिटम वगैरह में ऐसा होता है। ठीक है, मतलब ये पौधा पूरा डेवलप हो गया, जड़ तना पत्ती पूरा बन गई, फिर इसके ऊपर पत्तियों के अंदर दो तरह के बीजाणु बनते हैं। अगर बड़े वाले बीजाणु बनते हैं तो वो मादा पार्ट को बनाते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, और अगर छोटे वाले बीजाणु बनते हैं जिन्हें बोलते हैं लघु बीजाणु, तो फिर वो क्या बनाते हैं, नर युग्मकोद्भिद। इस प्रकार जब बीजाणु दो तरह के बने, बृहद बीजाणु और लघु बीजाणु, तो इसको बोलते हैं विषम बीजाणुकता। ये क्या कहलाती है, विषम बीजाणुकता।
हम लोगों ने इस तक पढ़ा। अब अगला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। कल के क्लास का बता रही हूँ, इसका अर्थ बता देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा पढ़ के आए। स्पर्म का मतलब होता है बीज और जिम्नो का अर्थ होता है नग्न। अर्थात अब हम जिन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे उनमें क्या पाए जाते हैं, नग्न बीज पाए जाते हैं। बीज तो बनते हैं, अभी तक देखिए पहले थैले के समान था शरीर किसका, क्लोरोफाइटा का, शैवाल का। उसके बाद जड़ तना पत्ती में शरीर विभाजित हुआ, ब्रायोफाइट्स का। उसके बाद जड़ तना पत्ती के साथ जाइलम और फ्लोयम किस में पाया गया, टेरिडोफाइट्स में। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, जड़ तना पत्ती जाइलम फ्लोयम के साथ साथ बीज भी बनना शुरू हो जाएंगे। इसका अर्थ होता है जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्म मतलब बीजी, नग्न बीजी मतलब बीज तो पाए जाते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता। जैसे मटर वगैरह के बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है ना, फल्ली जैसा, उस तरह का आवरण नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें नग्न बीजी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलिए आज के क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं और फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम कौन सा चैप्टर पढ़ें आज, क्लास 11th का सब्जेक्ट बायो का थर्ड चैप्टर वनस्पति जगत। इसको बैंथम एवं हुकर ने प्राकृतिक क्लासिफिकेशन दिया, उसके अनुसार उन्होंने जितने भी पादप पाए जाते हैं उन्हें 5 प्रकारों में बांटा। पहला है शैवाल, उन्होंने शैवाल को 3 प्रकारों में बांटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, हरे शैवाल, भूरे और लाल शैवाल। हरे शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं इसलिए इनका रंग हरा रहता है। फियोफाइसी भूरे रंग के रहते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल ए सी कैरोटीनॉइड के अलावा जैंथोफिल भी पाया जाता है। रोडोफाइसी को लाल शैवाल बोलते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और डी के अलावा फाइक्रोइरिथ्रिन पाया जाता है जिसके कारण इनका रंग लाल रहता है। भूरे और लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, उसमें से भी लाल शैवाल ज़्यादातर लाल समुद्र में ही पाए जाते हैं। इनका जो एल्गी होती है इनका शरीर थैलस के समान होता है, चूँकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए ये शोपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कभी कभी ये कॉलोनी में रहते हैं। इनका उदाहरण है वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स। इससे थोड़े जो और विकसित प्लांट्स होते हैं उन्हें ब्रायोफाइट्स कहते हैं। इन्हें स्थल उभयचर प्लांट कहा जाता है क्योंकि ये जमीन में भी रह लेते हैं, केवल इनके प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स दो प्रकार के होते हैं, लिवरवर्ट और मॉस। लिवरवर्ट में उदाहरण है मार्केंशिया। इनका शरीर थैलस के समान रहता है और कैसा रहता है, पृष्ठाधारी रहता है, मतलब इनका शरीर पत्ती जैसा रहता है, पृष्ठाधारी मतलब चपटा पत्ती जैसा रहता है। इसका उदाहरण है मार्केंशिया। इनमें जनन अंग किसमें पाए जाते हैं, कप के समान संरचना में पाए जाते हैं जिसे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया कहते हैं। एंथ्रीडिया नर जनन अंग है और आर्किगोनिया मादा जनन अंग। ठीक है, ये लिवरवर्ट ब्रायोफाइट एक लिवरवर्ट होते हैं, एक मॉस होते हैं। मॉस का उदाहरण है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया इससे थोड़ा लिवरवर्ट से थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है क्योंकि इसका मुख्य शरीर कैसा रहता है, स्पोरोफिटिक मतलब बीजाणुविद, बीजाणुविद मतलब द्विगुणित गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या डबल रहती है। इतना आगे बढ़े, क्लियर हुआ? अब ब्रायोफाइट्स जल स्थलचर प्राणी कहा जाता है ना, जल स्थलचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल के साथ साथ कहाँ पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, अनुक्रमण में उपयोगी होते हैं। अनुक्रमण का मतलब होता है ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स को ऐसी जगह उगाया जा सकता है जहाँ पहले कभी कोई वनस्पति नहीं उगाई, मतलब चट्टान पर भी इनको उगाया जा सकता है, फिर चट्टान को ही फिर धीरे धीरे मिट्टी में कई वर्षों बाद बदल देते हैं। ब्रायोफाइट्स में जल धारण क्षमता बहुत अधिक रहती है, इसीलिए आपने देखा होगा जब कभी कभी मॉल में आप जाते हैं तो जो प्लांट लगे रहते हैं ना उनके सपोर्ट के लिए उनको पानी मिलता रहे, ऐसे बीच में एक डंडा जैसा लगा रहता है, ऐसे मोटा सा डंडा जैसा रहता है, वो क्या रहता है, मॉस रहता है। वो क्या करता है, पानी को अवशोषित करके रखता है, इसीलिए पौधे को पानी की कमी नहीं होती है और नार वगैरह आसानी से ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, और मुख्य शरीर इसका युग्मकोद्भिद होता है, मतलब अगुणित रहता है, किसका, ब्रायोफाइट्स का। नर जनन अंग को पुधानी, मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं जो कि गैमा कप में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो तीसरा प्रकार पढ़ा था वो पौधों का तीसरा प्रकार क्या है, टेरिडो
टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स का मतलब होता है जैसे पौधे पाए जाते हैं जिनका शरीर जड़ तना पत्ती में स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। इनके जनांग किसमें पाए जाते हैं? शंकु के रूप में, संरचना में पाए जाते हैं। नर शंकु और मादा शंकु अलग अलग पाए जाते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले विकसित होता है। इसके पहले वाले पौधों में जाइलम फ्लोएम विकसित नहीं होता है। इसमें और इसके बाद वाले जितने भी विकसित पौधे होते हैं उनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, इसका उदाहरण है फर्न, सिलेजिनेला और इक्वेसिटम। ठीक है, इनमें दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं इक्विसिटम में, बृहद बीजाणु और लघु बीजाणु। बृहद बीजाणु बाद में मादा युग्मकोद्भिद बनाता है और लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद बनाता है। इनमें बाद में फिर फ्यूजन होता है तो फिर से स्पोरोफिटिक जनरेशन आ जाती है। इनमें मुख्य रूप से जो इनका शरीर जो होता है ना, पादप काय जो होता है किस टाइप का रहता है? बीजाणुविद। बीजाणुविद मतलब स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक मतलब द्विगुणित रहता है। जो छोटे छोटे प्लांट रहते हैं उनका शरीर अगुणित रहता है, धीरे धीरे जो विकसित होते जाते हैं उनका शरीर द्विगुणित होता है। ठीक है, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। चलिए आज का क्लास, किसी को कोई डाउट हो, देखिए आखिरी टॉपिक खत्म करने के बाद मैं कुछ क्वेरीज लेती हूँ, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी तरह का। ये 11th क्लास का है भाई, आज आप लोग सब लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? 11th क्लास का 3rd चैप्टर है वनस्पति जगत। ठीक है, किसी को कुछ क्वेरीज है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर क्लास को ओवर करते हैं। बंद करें, थैंक यू।